गाइज हम लोग आ गए गांव में और अभी बना रहे दलिया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी हो? करते हैं सब ठीक होंगे? गाइज हम भी ठीक है। तो गाइज मैं इधर ले आई हूँ पोहे, मेरे इधर पड़े हैं और मस्त राम जी फिलहाल खाने लग गए और मेरी एमी भी उठ गई है। एमी मार रही है पापा को कि मुझे भी खिलाओ। तेरा पोहा बहुत अच्छा है बाटी वाला, लेकिन तेल बहुत डालती है, तो तेल डालना कम कर दे हर सब्जी में। अरे यार तेल इतना भी नहीं है, आपको तो पता नहीं क्यों ज्यादा ही लग पाए। कुछ ज्यादा नहीं लगता है इतना। मैंने पानी डाला था, अगर तेल में बनाती ना तो पानी नहीं डालती बिल्कुल। अब पानी डालने की वजह से देखो कैसे तेल तर रहा है। देख लो वो तो रहता ही है ना थोड़ा बहुत, क्या फिर पानी के बनाओ सब्जी। राधे राधे। राम राम जी। दोस्तों अभी हम लोग नहा धो के चोमो मार्केट में जा रहे हैं। अंकिता को कुछ शॉपिंग करनी है छोटी मोटी, तो दिला के लाता हूँ। इधर हमारे एमी के नाटक देख लो आप। जब तक जैसे कैमरा चालू हुआ नाटक बंद कर दिया इसने। मेरे कैमरे में नजर आती है तेरे को तो बस आज लगी है लड़की, वो हमेशा लड़का लगती है। बस एक चीज देखती है फैन, इसके अलावा कुछ नहीं देखती। होली चली गई पर होली का कलर इस पे दीवारों पे अभी भी सबूत है कि भाई आई थी होली पर चली गई। आज होली फुल गई आपकी। कुछ टाइम पहले हम ऐसा सोचते थे कि हम कहीं भी शूट करने जाएंगे या मार्केट जाएंगे तो एमी को अकेला छोड़ सकते हैं, बट भाई एमी को हम अकेला छोड़ ही नहीं सकते। ये कुछ टाइम पहले बहुत अच्छे से रह रही थी अकेली, अब तो है ना ये एक मिनट इसकी मम्मी के बिना नहीं रह सकती है। मेरे पास भी नहीं रहती है, इसकी मम्मी के पास रहती है 24 घंटे। पहले हम ऐसे सोचते थे कि भाई किसी के भी पास छोड़ के हम चले जाएंगे, कुछ भी काम होगा ऐसे, पर नहीं रहेगी भाई। अभी समझदार हो गई है बिल्कुल। हमारी गाड़ी को कई दिनों बाद में आज अच्छे से इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि नीचे आते नहीं है ना, काम ही नहीं पड़ता, तो हमारी गाड़ी खराब हो रही है पूरी। पर फिर भी यहाँ पे तो अच्छा है ना, देखो गाड़ी को धोना पड़ेगा उसके बाद में अच्छी लगेगी। बहुत खराब लग रही है, बहुत गंदी भी हो रही है, पर ऐसा लगता है अपनी गाड़ी को देख के कि भाई अभी परचेज की हो जैसे, बिल्कुल नई लगती है। सिर्फ तुझे लगता है, दुनिया को नहीं लगती कि मुझे तो लगती है। देख के ऐसा लगता है कि 50 साल पुरानी नई, आगे से देखो इतनी पुरानी है, 10 साल से ज्यादा पुरानी है, चमक रही है आगे से। तो बस ये मुंह अच्छा है इसका, मुंह होना चाहिए, लोग मुंह को ही देखते हैं। लोग आज पोपट हो गया हमारा तो, हमारी गाड़ी तो बोलो पिंचर होके पड़ी है। ये क्या क्रम है, मनमोहन करके लाया इसको नहीं। वो एक दिन में उसको बोल रही थी मार्केट कुछ काम था कि तू चला जा, तो वो तो बोल रहा था कि भाई हाँ एमी को दिखाने गए थे ना, ऐसे बोल रहा था कि भाई इसमें पेट्रोल नहीं है, अपन तो विमल के पे चलते हैं। उसको सब पता है कि पंचर है, कहीं ना कहीं पंचर करके लाया है वो। गाइस हमेशा हमारा प्रॉपर्टी हो जाता है, इधर तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी जाएगी मार्केट। वही तो मैं कब से बोल रही हूँ और आपको भाई चलो चलो चलो। यार विमल हमारी गाड़ी है पंचर, मार्केट जाना है भाई, कुछ गाड़ी का बंदोबस्त कर। चलो भैया गाड़ी का बंदोबस्त हुआ है। धूप इतनी है कि आंखें भी नहीं खुल रही है, मैं टोपी चश्मा वगैरह कुछ नहीं लगा के आया आज तो। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए चोमो के अंदर। अब अंकिता को क्या क्या लेना है भाई? मेरे को मतलब कपड़े लेने, कपड़े वाली की दुकान पे चलना है, और जो मेरा मेन काम था मैं मतलब वो बता ही नहीं सकती अभी, तो सरप्राइज है। लो जी गाइस हम आ चुके हैं टेक्सटाइल पे, मतलब कपड़े की दुकान पे। अभी यहाँ से कपड़े वगैरह खरीदते हैं, कपड़े की दुकान बिठा दिया है, मेरे को मस्त खेल रही है। चलो गाइस खूब सारी शॉपिंग कर ली अंकिता ने, काफी टाइम शॉपिंग कर रही थी, कम से कम 1 घंटा हो गया। अब चलते हैं, बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी है। हम लोग आ गए फल फ्रूट वाली दुकान पे और यहाँ से कुछ फल फ्रूट ले लिए एमी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अभी गाँव था टोंका, लेकिन यही रहते हैं चुमी काफी टाइम से। मैं यूट्यूबर हूँ। तो गाइस शॉपिंग कर कर आके हम लोग आए पानीपुरी वाले भैया के, वैसे जूस भी है इधर, तो पहले पानी पूरी खा लेते हैं उसके बाद में जूस ट्राई करेंगे। गाइस एमी को जूस पिला रहे हैं और देखो पूरा बाहर निकाल दिए, मूंछ भी लग गई है एमी के। एमी मुच्छी बन गई तेरी मुच्छी। वाओ यार बेटा, हाँ अलग ही टेस्ट का फीलिंग ले रही है। तो चलो गाइज निकलते हैं गांव के लिए। ले लिए मैंने डोली और कपड़े भी है, पता नहीं कितने दिनों बाद आऊंगी इसलिए डोली भी साथ में लेके जा रही हूँ, घी भी ले आऊंगी इसमें, एमी को भी ले जा रही हूँ, इसके पापा वहाँ तक हमको छोड़ने जा रहे हैं। तो चलो अब गाइज मेरे अंकिता के उगे लड़ाई, तो अब मैं इसको पैदल पैदल छोड़ने जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी पंचर है। इसको बस बाहर की चीजें दिखनी चाहिए, बहुत खुश रहती है बाहर की चीजों से। अभी जा रही मामा के, ये जा रही बिमल मामा के घर पे। आपको शर्म भी नहीं आ रही? पूछो क्यों, पूछते हो नहीं हो, मैं कह के चुप हो जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ पूछोगे अब भाई क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं? शर्म बता, देख ले हाथ में एमी है, डोली है और इतने सारे कपड़े है, फिर भी आप एमी तो को मेरे से लड़ाई करके जा रही है, तो मैं क्यों ही ये सब सामानों को लूं? मतलब लड़की के कपड़े में ये सुंदर नहीं लगती, लड़के वाले में अच्छी लगती है। मेरे पे गई है ना, अब मैं लड़का हूँ इसलिए सुंदर लगता हूँ। एक दिन आपको लड़की बनाऊंगी आर्मी। अंकिता तो सपोज कर, तो छोरा होता तो ऐसा गेंगड़ा सा छोरा लगता रे यार बाबा, कतरी मस्त लगती हूँ छोरा होती। तू आर्मी में एग्जाम देवा जाती तो वहाँ फेल हो जाती, पुलिस में जाती वहाँ फेल हो जाती, तो शादी कौन कर दो तू शेर और फिर मार पाचे छोरे लाइना मारती पागल मनारे विलेज का। गाइज हमारी सोसाइटी ना बहुत प्यारी है, आप देख सकते हो चारों तरफ गांव जैसा माहौल है, सूर्यास्त भी होने वाला है। इधर बहुत सारे प्लाट कट रहे हैं पर इधर नहीं लेंगे, इधर बहुत पैसा आप ले नहीं सकते। ये जो प्लाट कट रहे हैं ना गाइज, इनका भाव है कम से कम 15-16 हजार, नहीं 30।
यहाँ पे नहीं है, 30 रोड पे है, 30 तो बिमल बता रहा था ना। नहीं नहीं ये 14-15 हज़ार का भाव है, बिमल बता रहा था मेरे को। 100 गज आएगा 15 लाख का। हाँ वही तो। अब इतना पैसा कहाँ से लाए भैया, हमारे पास तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए को ले लेके घूम रहे चारों तरफ। पैसे नहीं है फिर भी ले लेंगे भाई, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। दिल होने से क्या होता है, पैसा भी होना चाहिए। बढ़ गया बढ़ गया, दोनों रूपा लाग रहे थे अंकल आंटी ने बड़े लागे बार अड़े, वो फुलकना बेच बगर जन वहां लेते भी फुलकना बेचा बगर की होड़े फुलकना काय हो छ गुब्बार के हो जा की होड़े। चलो गाइज इधर का फाइनली हमारा वीडियो बन चुका है, आप हमारे अकाउंट पे जाके देख लेना और देखो हमारे एमी की क्या ही कंडीशन कर रखे हैं लोग। बढ़िया दूर मिट्टी में खेलना भी चाहिए बच्चा कभी कभी। ओ फाइनली खड़ा हो गया हमारा एमी। गाइज आप हमारे पीछे देखो खेत खलियान, और जैसे हमारे घर पे खेती है वैसे ही अंटी और के पीछे खेती है। तो गेहूं वगैरह कट गए और अंटी और ने कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवा दिया। इधर दलिया भी बन रहा है छाछ वाला, इधर आटा भी लगाने के लिए रेडी अंकिता जी। वाह भाई आंटी जी आते हैं, आंटी जी को पूरा फायदा मिल जाता है, बस रील्स बनाओ और काम करो। इधर पूरा गोबर उठ जाता है, भैंसों को चारा पटक दिया जाता है रील्स के माध्यम से। इधर तक ऋषि बोल रही है आंटी सिस्टम ए वकर तो देखो। गाइज हम लोग आ गए गांव में और अभी बना रहे दलिया, देखो कितना प्यारा दलिया बन रहा है अंकिता के भाई। एमी रो रही है हमारी, तो एमी को चुप कराते हैं। आज मैं और अन्नू देख लो पेक शेक बना रहे गांव में। गाइज चेयर्स आंटी देख दे दारू पी बड़ा आदमी बातचीत कर चुकी सगाई था उड़े दारू बाज के कर रहे थे, एक नंबर ठेका वाला। तू ही तो बोल रही है, मैं तो ठेका वाला चाहिए जी, बोल रही हूँ मजाक छो, मेरे मजाक ने थे सीरियस ले लिया। ट्रक चला पड़ो। वाह वाह दारू वाले भैया से छोड़ के अब हम लोग ट्रक वाले भैया पे आ गए। चलो भाई भाई अजीब प्राणी प्राणी गलत बोली प्रजाति बोलती है। अन्नु मोटा या नहीं मोटा या मोटा तुझे अन्नु तुझे। चलो मैं भगवान से प्रार्थना करू चू तन ट्रक ड्राइवर ही मिले। गाइज हमारे फ्लैट में आ गए और भोलेनाथ के और श्री मंगलेश्वर बालाजी के दर्शन कर लिए। गाइज मैं जैसे घर पे आया और जोर जोर से रोने लग गए, मैंने वीडियो स्टार्ट किया चुप हो गए हंस रही है, ऐसी नौटंकी बाज लड़की मैं कहीं नहीं देखा। हाँ यार कितनी जोर जोर से रो रही थी, यहाँ पे जैसे इसको नीचे उतारा जोर जोर से रो रही है, और अपने जैसे कैमरा स्टार्ट किया और हंसने लग गई। वाह नौटंकी बाज लड़की। गाइज खाना वाना खा के बैठे हमारी अम्मी ना सो के उठ गए, सो गई थी पहले तो फिर उठ गई, तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते, खेल रही अभी मस्त। भाई इसको अगर कैमरा दिख गया ना फिर बिल्कुल नहीं खेलेगी है, फोन तो इसको चाहिए। मॉडर्न जमाना है भैया, अगर आजकल के बच्चे को फोन नहीं मिला ना तो कुछ नहीं मिला, सोच लो अपने टाइम पे पता है ना फोन से फोन चलते थे, फोन ही नहीं थे पहली चीज। दूसरी चीज फोन थे नोकिया के, वो भी इसलिए नहीं मिलता था कि चार्ज नहीं रहे, क्योंकि लाइटें भी बहुत कम होती थी। नहीं मतलब बच्चों के खिलौने टाइप में थे, वो आता था जैसे एक ही गाना चलता था, एक वो चलता था धूम में चले। गाइस कमेंट करके बताना ये वाला मोबाइल मेले में खरीद खरीद के किस किसी ने चलाया। हाँ पागल वो मस्त आता था, ऐसे भी बंद होता था वो, उसको खोला छैया 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 फिर उसमें चलता था धूम में चले। और उसमें एक और खासियत थी वो मतलब बंदा रहता था डोरी डोरी, हाँ गले में लटका लो उसको। एक और खासियत तो उसकी लाइट भी जलती थी एक ऊपर से बत्ती थोड़ी। जिसने ये फोन चलाया हो कमेंट करना, हमारे टोंक स्वयं मधुपुर वाले चलाए होंगे 100%, क्योंकि हमारे बरवाड़ा में मेला भरता है, मेला में भाई मिलता है वो। कमेंट कर देना आप तो किधर किधर चलाए हो आप और कहाँ कहाँ से चलाए हो और कहाँ से खरीदे हो, ये कमेंट जरूर से जरूर करना गाइस अगर लास्ट तक आप ब्लॉग में बने हो तो। अमित तेरे जमाने में तो भैया धूम में चले नहीं पूरे दुनिया में चले जो गाने आ जाते हैं, हमारे जमाने में तो एक ही मोबाइल था वो, कोई सा भी चला सकती है। हाँ। कोको मेलन देख सकती है कुछ भी, बस इसको एक ही पसंद है कोको मेलन वही देखती है। पर अच्छी बात है ना मुझे गर्व होता है कि मेरी बेटी इंग्लिश में जो चीजें आती है वो देखती है, इंग्लिश की पोएम वगैरह। पागल बच्चा कितना भी मॉडर्न हो जाए अपना कल्चर साथ में होना जरूरी है, अपना बच्चा अपनी लैंग्वेज सीखेगा ठीक है, मोबाइल से अलग सीखेगा स्कूल से अलग सीखेगा तो इसका माइंड भी उतना ही अच्छा चलेगा। अभी देखो कैमरे को कितना कैचअप करती है, बाकी पहले के बच्चे तो कैमरे की तरफ देखना तो क्या मतलब जानते नहीं थे कैमरा क्या है, और आजकल के बच्चे अभी नहीं देखते ना, बहुत से बच्चे होते हैं जो देखते नहीं है फोन को, पर ये समझदार ही देखते हैं। पेट में ये देखिए ना मम्मी रील बना रही है, मम्मी व्लॉग्स बना रही है, जीभ निकालती है आजकल तो मेरी तरफ देखो गाइस, जा 20 सेकंड के अंदर जीभ निकालेगी देखना। एमी
अभी तो कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, निकालेगी उसके मन से, देखो निकाल दी ना गाइस। देखो गाइस मैं जीभ निकालता हूँ, ये भी निकालती है। चलो गाइस गुड नाइट करते हैं, फिर मेरे को ब्लॉग एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, काफी बड़ा ब्लॉग बन जाता है ऐसे धीरे धीरे करके। गुड नाइट गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। आज का ब्लॉग एंड करेगी एमी, बाय बाय एमी।